हेलो दोस्तों, मैं केडी में आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल RM20 पे। तो अगला जो क्लास गया था उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही मैं जो डिस्कशन किया हुआ था, तो आज है उसका जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन को हम समझ के चलेंगे। तो ये क्लास शुरू करने से पहले जो अभी चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू से आता रहेगा। और फिर से बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उधर आपका हर संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए, आपके लिए ही बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ़ायदेमंद साबित होगा आप। ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए। जितना आप एग्ज़ाम कंड्यूट करते हुए मतलब जितना अटेंड करते हुए चलेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत ही इंक्रीज होता हुआ चलेगा। एक बार आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल पे चले गए ना, तो मान लीजिए वो वाला एग्ज़ाम ही आपका खराब हो जाएगा। तो पहले उस कॉन्फिडेंस को बरकरार करना चाहिए कि ज़्यादा आप एग्ज़ाम अटेंड कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले ये जो एक स्कीमेटिक जो डायग्राम में आपका इधर बनाया गया है, इधर इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, एक कुछ फ्रेम दिख रहा है आपका, फ्रेम के अंदर कुछ चीज़ है, उसका अंदर ये वाला सारे चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो पहले से बता लेते, ये वाला जो बाहर का हिस्सा देख लीजिए ना, ये वाला का टोटल हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं योक। ठीक है, ये वाला का जो पूरा का हिस्सा को हम बोलते हैं योक। तो योक का काम क्या है, योक का काम क्या है? पहली बात तो ये है, योक जो होता है वो आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। दूसरा चीज, रिटर्न पाथ पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो आपका जो योक रहा, योक का फिलहाल तो दो सबसे ज्यादा काम है। एक है आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, जो कि देखिए ये वाला आउटसाइड का रहता है ये वाला। ठीक है, ये क्या करता है ना, आपका फील्ड फोल्ड को बाहर का जो मैकेनिकल प्रेशर है या जो कुछ भी है उससे प्रोटेक्शन करके रखता है। उसके बाद वो वाला फ्लोक्स का रिटर्न पाथ, मतलब फील्ड का अंदर का जो फ्लोक्स फ्लो होता है ना, फील्ड का अंदर में उसका रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, पोल स्टैम्पिंग को होल्ड करता है, पोल होल्ड द पोल स्टैम्पिंग। ठीक है, सही टर्म में होगा, होल्ड द पोल स्टैम्पिंग। पोल स्टैम्पिंग मतलब देखिए, ये वाला जो पोल, ये मतलब एक लग के तैयार होकर नहीं आता है, ये जो पहला फ्रेम है, फ्रेम से हम फील्ड फ्लो को स्टैम्पिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टैम्पिंग पोल स्टैम्पिंग को ये होल्ड करके रहता है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट रह गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, ये वाला जो टोटल का फ्रेम कास्ट आयरन का तैयार होता है। ठीक है, टोटल जो फ्रेम उसका, योक का जो फ्रेम वो कास्ट आयरन का ही तैयार होता है। तो ये रहेगा आपका बेसिक, जो कि योक के बारे में इधर में बता दिया आपको। तो अभी चलते हैं ये वाला के ऊपर, ये जो टर्म देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला क्या है, इसको हम बोलते हैं आई होल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं आई होल। आई होल, आई होल फिलहाल किस चीज के लिए यूज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होल ये जो चीज है क्या है, ये तो पहले मशीन शिफ्टिंग, मशीन शिफ्टिंग मतलब आपका एक मशीन को उठा के दूसरे ओर पर रखने में ये वाला जो फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका लगाते हैं, क्योंकि क्रेन का जो हुक है इधर लगा के आप मशीन को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे ओर के ओर। ठीक है, तो आई होल का क्या, हमें मशीन को शिफ्टिंग करना है उसका काम। ये वाला को तो पता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, मतलब ये वाला जो सेक्शन है ये होगा आपका फील्ड पोल। ठीक है, फील्ड पोल, फील्ड पोल, तो फील्ड फोल्ड का काम क्या है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है,
मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है ये वाला जो आपका फील्ड जो है वो आपका मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये वाला आपका मैग्नेटिक पाथ को प्रोवाइड करता है। और देखिए ये जो सेक्शन दिखा रहा है ना इधर, ये वाला मार्क थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, ये वाला सेक्शन, ठीक है, जो इधर से लेके इधर तक जो सेक्शन, इसको हम बोलते हैं पोल स्टैम्पिंग। इसको बोलते हैं हम पोल सोज, ठीक है, इसको हम पोल सोज बोलते हैं। तो पोल सोज का काम है क्या है, वो फ्लोक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत अच्छा सा करता है। देखिए आपका फील्ड फोल का क्रॉस सेक्शनल रहा यहाँ तक, इस तरह तक रहेगा आपका फील्ड का जो पोर्स टर्मिनल। जो पोल सो का काम क्या है, वो जो टोटल फ्लोक्स को ना कंडक्टर के ओर अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करता हुआ देगा, उसका काम ही यही है। आपका जो फील्ड पोल सो का काम है, ठीक है, वो उसका काम जनरली क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड द मैग्नेटिक फ्लक्स, एक फ्लक्स यूनिफॉर्मली, मतलब सही मायने में ये आपका फील्ड फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करता रहता है, जैसे कि आपका आर्मेचर का हर कंडक्टर उस लाइन ऑफ फोर्स के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसका काम ही यही है कि वो आपका मैग्नेटिक फोर्स को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड करता रहेगा। तो दूसरा ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला एरो मार्क, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ये वाला मारे भाई, इसको आप तो देख सकते हैं, देखिए ये जो इस तरह से देख रहे हैं ना, ये वाला है आपका आर्मेचर, आर्मेचर जिसमें आपका कंडक्टर जो प्लेस हुआ है, ठीक है, देखिए ये जो कंडक्टर प्लेस हुआ है, आर्मेचर का काम क्या है, वो वाला उसका लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कट करके आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उधर प्रोवाइड मतलब इंड्यूस होता है। इधर आपका इंड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, इधर आपका मैग्नेटिक फ्लोक्स जो है वो इंड्यूस होता है। दूसरा ये जो सेक्शन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोस, ब्रोस। तो ब्रोस का काम क्या है, ब्रोस का काम है उसके, सुनो ब्रोस को बताने से पहले और एक टर्म जो मैं मिस कर गया हूँ उसको आप समझ लीजिए। ब्रोस के पहले मैं आपको ये वाला टर्म जो बता रहा हूँ वो है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है, ये जो सेक्शन ये वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला है आपका कम्यूटेटर का सेक्शन। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर एक आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर है, ठीक है, कम्यूटेटर एक आपका मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो क्या करता है, एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है। तो आपका मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि सर हम तो डीसी जेन मोटर सॉरी डीसी जनरेटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उधर मतलब एसी कहाँ से आ रहा है जो कि आपको मैकेनिकल रेक्टिफायर का जरूरत हो रहा है। तो देखिए आपका जितना भी मशीन ले लीजिए, आपका एसी हो या डीसी हो, आप जितना भी मशीन ले लीजिए, आर्मेचर में ये वाला जो रह गया आर्मेचर, आर्मेचर हर वक्त आपका एसी ही प्रोड्यूस करेगा। इसका जो डायग्राम मैं बताऊंगा इसके बाद, आर्मेचर आपका एसी ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप जो एसी है ना, आपका एक कंडक्टर एक बार रोटेशन होने में एक फुल साइकिल ही आता है, फुल साइकिल कहाँ क्रिएट होता है, एसी में। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, ये जो फुल साइकिल आएगा इस तरह सा फुल साइकिल, इसको रेक्टिफायर करके वो डीसी में कन्वर्शन करवा देगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, वो आपका एसी से डीसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है, कहाँ, डीसी जनरेटर में। अगर मैं डीसी मोटर की बात करता हूँ, ठीक है, फिलहाल डीसी जनरेटर और मोटर कंस्ट्रक्शन वाली सेम है, ठीक है, पर आप एक चीज को मार्क करके उधर देख सकते हैं, वो है आपका कम्यूटेटर, ठीक है। देखिए कम्यूटेटर क्या करता है, इधर आपका एसी लेगा, मतलब आर्मेचर में क्या प्रोड्यूस होता, आर्मेचर में आपका एसी प्रोड्यूस होता है, आउटपुट में
वो आपको डीसी देता है, ठीक है, ये वाला एसी, ये वाला डीसी। तो आर्मेचर में आपका एसी प्रोड्यूस होता है, आउटपुट में आपका डीसी देता है, ठीक है। इसलिए हम कम्यूटेटर को बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। तो इधर लिख लेता हूं, कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है और इसको एक टर्म में भी जाना जाता है, बहुत कम बुक में ये वाला दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच, क्योंकि इधर कोई भी, जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में मैं बताया था कि डायोड का एक कंस्ट्रक्शन रहता है, पी लेयर रहता है, एन लेयर रहता है, जो कि आपका एसी को डीसी से कन्वर्शन करता है। पर इधर क्या होता है, कोई भी उस तरह सा अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी ये एसी से डीसी कन्वर्शन कर रहा है। इसका मतलब उसको ऑटोमेटिकली वो एसी को डीसी से कन्वर्शन करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलता है ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच। कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच, ठीक है। कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच। आपका कम्यूटेटर किसमें मैटर होता है, हार्डन कॉपर, कम्यूटेटर आपका हार्डन कॉपर में मैटर होता है, ठीक है। तो ये वाला फिलर रह गया कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर क्या करता है, आर्मेचर से जो एसी करंट प्रोड्यूस होता है वो उसको कलेक्ट करता है और डीसी का आउटपुट देता है। पर कम्यूटेटर से आउटपुट को कौन ले जाएगा, कम्यूटेटर तो एक इधर का पार्ट रह गया ना, तो आउटपुट कहाँ से जाएगा इधर, ठीक है। तो कम्यूटेटर को से आउटपुट ले जाने के लिए उधर एक आपका अरेंजमेंट है जिसे हम बोलते हैं ब्रश, ठीक है। देखिए ये तो एक पहली बात, तो ये रोटेटिंग पार्ट है क्योंकि आर्मेचर के साथ लगा हुआ है, आर्मेचर एक रोटेटिंग पार्ट है। फील्ड जो रहेगा वो आपका ये वाला आ जाएगा आपका स्टेशनरी पार्ट, ये आपका है स्टेशनरी पार्ट, आर्मेचर आपका है रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग पार्ट। तो रोटेटिंग पार्ट मतलब ये आर्मेचर में कम्यूटेटर का हो रहता है, आर्मेचर की शाफ्ट में प्लेस रहता है। तो आर्मेचर शाफ्ट में अगर कम्यूटेटर प्लेस रहता है उसका मतलब कम्यूटेटर भी आपका रोटेटिंग करता है। तो उसमें से आउटपुट कैसे कलेक्ट किया जाए, इस कलेक्शन करने में उसका एक अरेंजमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ब्रश, ठीक है। उधर आपका ब्रश जो लगा हुआ है ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये रह गया आपका ब्रश। तो ब्रश का काम क्या है, वो आपका जो कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर जो आउटपुट देता है डीसी, ब्रश क्या करेगा, वो डीसी को बाहर की ओर देगा। मतलब अगर इधर डीसी प्रोड्यूस हो रहा है तो डीसी को वो बाहर की ओर दे देगा, मतलब इधर आप डीसी ही पाएंगे, ठीक है। मतलब आपका आर्मेचर में तो एसी प्रोड्यूस हो गया, तो आर्मेचर में एक बार अगर एसी प्रोड्यूस हो जाता है, वो कम्यूटेटर का काम क्या है, आर्मेचर से एसी लेके वो डीसी को कन्वर्शन कर देता है। तो कम्यूटेटर ने भी उसका काम सही तरह से कर लिया। उसके बाद कम्यूटेटर से आउटपुट को हम सप्लाई कैसे लेंगे, तो उस सप्लाई लेने का उसका एक अरेंजमेंट लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रश, ठीक है। तो ब्रश के थ्रू से हम उसका मतलब डीसी सप्लाई को आउटपुट की ओर लेते हैं। तो ब्रश का भी बहुत सारा सा टाइप है, जैसे कि ब्रश आपका ज़्यादातर कार्बन में यूज होता है, ठीक है, कार्बन, और है आपका कॉपर, ठीक है, और है कॉपर ग्राफाइट, इस तरह सा बहुत ब्रश है जो कि आपका यूज होता है। कार्बन ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि ये आपका है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए ज़्यादातर हम कार्बन को ही प्रीफर करते हैं। पर जहाँ पे आपका करंट का रेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको ज़्यादा करंट कलेक्ट करने के लिए ज़रूरत है, उस ओर आप कॉपर या कॉपर ग्राफाइट कोई भी ब्रश यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका करंट डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है कार्बन के हिसाब से, ठीक है। तो यह रह गया ब्रश के बारे में, और फिलहाल तो कुछ उतना भी नहीं है क्योंकि सिर्फ पार्ट को हम समझाना था। ये वाला हो गया आपका योक, योक का पार्ट है ये। तो ये वाला सेक्शन जो है आपका, ये हो गया आपका फील्ड पोल, जो कि मैं बता दिया हूँ। फील्ड पोल क्या करता है, आपका मैग्नेटिक पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फिर ये जो सेक्शन आता है आपका, ये आता है आपका पोल्सो। पोल्सो क्या करता है,
डिस्ट्रीब्यूटेड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो वो पोल्स का काम क्या है, आपका जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका पोल प्रोवाइड करता है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। फिर आ गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, आर्मेचर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका वाइंडिंग को होल्ड करके रहता है, पहली बात तो ये है। तो अगर वाइंडिंग को होल्ड करके रहता है तो आउटपुट भी उधर से निकल लेगा, क्योंकि आपका जो फील्ड है जितना लाइन ऑफ फोर्सेस फ्लक्स सप्लाई देता है तो वो वाला फ्लक्स कुछ इस तरह से आएगा, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, कुछ इस तरह से रोटेटर। तो रोटेशन होने से क्या होगा, आर्मेचर में जितना भी आपका कंडक्टर है वो फ्लक्स को कट करेंगे। फ्लक्स को कट करने के बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से उधर आपका फ्लक्स जो है, सॉरी उधर आपका करंट जो है जनरेट होगा। मैं बताऊंगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से किस तरह से जनरेट होता है। इसके पहले सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन समझ जाइए कि किसका फंक्शन क्या है। जैसे कि आपका फील्ड का फंक्शन क्या है, और मैग्नेटिक पाथ जो है प्रोवाइड करता है। पोल्सो का काम क्या है, जो मैग्नेटिक पार्ट फील्ड प्रोवाइड करता है उसको यूनिफॉर्मली आर्मेचर के तौर डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। उसके बाद आपका आर्मेचर जो कंडक्टर को कैरी करता है वो आपका एसी प्रोड्यूस होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बार बार ये सवाल आपको आता है कि आर्मेचर में कौन सा सप्लाई आपका प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर में कौन सा होता है। आर्मेचर में एसी होता है, चाहे भी आपका ये डीसी जनरेटर ही क्यों ना हो, डीसी जनरेटर होने से भी आर्मेचर में आपका एसी ही प्रोड्यूस होगा। तो कम्यूटेटर है उधर, कम्यूटेटर को हम बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर, जो कि वो एसी को डीसी में कन्वर्शन करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिवर्सल स्विच भी बोलते हैं। और आपका कम्यूटेटर जो है हाड्रन कपर में तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ब्रश। ब्रश का काम क्या है, कम्यूटेटर से आउटपुट की ओर जो आपका करंट को कैरी करके ले जाता है वो है आपका ब्रश का काम। तो ब्रश ज़्यादातर आपका कार्बन कॉपर और कॉपर ग्राफाइट मेटल ग्राफाइट, इस तरह सा बहुत एलिमेंट है जिसमें से आप ब्रश मेडअप होता है। ज़्यादातर हम कार्बन को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि कार्बन है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इसलिए ज़्यादातर हम कार्बन को इधर प्रीफर करते हैं। उसके बाद आपका आएगा जब ज़्यादा करंट रिक्रूटमेंट होगा तो आप उधर क्या यूज करेंगे, तो इधर आपका यूज करेंगे कॉपर या कॉपर ग्राफाइट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फिलहाल रह गया बेसिक कंस्ट्रक्शन। दोस्तों फिलहाल हम यहीं पर रखते हैं, आज हम जो बात की है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये वाला आप समझ लीजिए। अगला क्लास में मैं आपको उसका जो पूरा प्रिंसिपल के बारे में बताते रहूँगा, कैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उधर अप्लाई होता है, किस तरह से उसका डायरेक्शन प्रोड्यूस होता है, ये सारे चीज़ जो मैं है उधर अगले क्लास में आपको समझाऊँगा। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले इस चैनल में जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। आप इस तरह से मेरे को मोटिवेट करते रहिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा, या कुछ ज़्यादा चीज़ आपको वांटेड हो तो मेरे को कमेंट करके बताइए। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय भारत।